क्या बना रहे हो? फिश? कौन सा फिश? अरे ये हिंदी में क्या बोलते हैं मुझको पता नहीं, फिर भी क्या बोलते हैं? तुम बंगाली हो? हैं गो, आई बंगाली। की बनाच्छी सुनबे? कतला माचेर कालिया। हिंदी में बोलना यार। अरे यार मुझे पता नहीं यार, आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताओ। आज हम लोग के चैनल में फ़िश का रेसिपी आ रहा है, और आप लोगों को ऐसे ही फिश अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोगों को ले लेना है 2 प्याज काट के, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 आप लोगों को लहसुन ले लेना है और अच्छे से छील लेना है। उसको आप लोगों को क्या करना है, मिक्सी में देने के लिए उसको मिक्सर के जार में दे देना है और उसको मिक्स करके पीस के बना लेना है। तो आप लोगों को कुछ ऐसा मिक्सर में मिक्स करके बना लेना है और इसको आप लोगों को साइड में रख देना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने मच्छी का पीस ले लिया है, और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं 1 चम्मच हल्दी, उसके ऊपर दे रहे हैं 1 चम्मच आप लोगों का नमक, उसके ऊपर दे रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट वो 1/2 चम्मच और 1 चम्मच से थोड़ा कम, ये आप लोगों को यहाँ पे देना है। थोड़ा सा इसमें ऑयल देना है, ठीक है, सफ़ेद रिफाइन ऑयल, वो वाला ऑयल आप लोगों को दे देना है। देने के बाद अभी आप लोगों का नेक्स्ट काम ये है कि मच्छी के ऊपर ये सब मसाले ना अच्छे से मिक्स करके लगा लेना है। सो अभी आप लोगों को स्टोव में फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर आप लोगों को 100 ग्राम करीब आप लोगों को सरसों का तेल देना है, उसमें ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है मच्छी अगर फ्राई करोगे तो। अभी आप लोगों को संभाल के एक एक फिश आप लोगों को इस तेल में दे देना है, थोड़ा गर्म होने के बाद 1 बाय 1 आप लोगों को रख लेना है। अभी आप लोगों को क्या करना है, फिश थोड़ा अगर उस तरफ फ्राई हो गया नीचे की तरफ तो आप लोगों को इसको उलट लेना है। अच्छा, उलट लेना है या पलट लेना है? हाँ, पलट लेना है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो हम लोग का फिश कितनी बेहतरीन तरीके से फ्राई हो चुका है। अभी आप लोगों को इसको एक एक करके एक अलग से रख लेना है। तो अभी हम लोग ने जो मिक्सी में जो पेस्ट बनाया था टमाटर वमाटर का, उसको इसी तेल में जिसमें अपने फिश या मच्छी फ्राई की है उसी तेल में आप लोगों को दे देना है और इसको अच्छे से फिर से आप लोगों को फ्राई कर लेना है। इसके अंदर आप लोगों को 1 चम्मच हल्दी देना है, 1 चम्मच लाल मिर्च देनी है, 1 चम्मच धनिया देना है, 1 चम्मच जीरा पाउडर देना है और 1 चम्मच नमक देना है। तो अभी हम लोग इसमें देंगे खट्टी दही या कर्ड बोलते हैं, वो आप लोगों को इसमें दे देना है और इसको भी आप लोगों को अच्छे से मिलाते रहना है। अभी जब इसका ग्रेवी कुछ ऐसा बन जाएगा, इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा पानी यूज़ करना है, आप लोग 1/2 कप या 1 कप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को इसको फिर से अच्छे से मिला लेना है, ये पूरा एकदम मिल जाए हर तरीके से। अभी आप लोगों का नेक्स्ट काम क्या है, जो मच्छी हम लोग ने फ्राई करके रखी थी फिशेस, वो फिशेस को हम लोग को 1 बाय 1 दे देना है इसमें। जब आपका फिश एक तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए, मतलब इसमें से अच्छे से पक जाए, तो उसके बाद आप लोगों के क्या कहना है, 1 बाय 1 सबको फिर से उलट लेना है, पलट लेना है। तो आप लोग जब ये फ़िश बना रहे हो तो जब आप लोगों का फ़िश ऐसा फाइनल हो जाएगा ना, ये हम लोग का फाइनल टच है, फिर लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, इसको ढक के रख देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप लोगों को निकाल के देखना है, तभी आप लोगों को दिखेगा कितना खूबसूरत आप लोगों का बंगाली फ़िश बन के रेडी हो चुका है। तो इसको स्पेशली बोलते हैं हम लोग के यहाँ पर कतला माचेर कालिया, और ये कतला माछ की कालिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा रहता है खाने में। सो आप भी बनाइए, खाइए, हम लोग को भी कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा, और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ फिर से और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।